नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई सूचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ये वीडियो है वो रीट शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। तो जो लेवल टू वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। वेटिंग लिस्ट फिर से जारी हो सकती है, क्योंकि लगभग अभी तक 2000 के लगभग जो पद हैं वो खाली रह गए हैं। या तो उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट ज्वाइन कर लिए हैं, या फिर उन विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है किसी दूसरी इस वजह से, मतलब पूरे पूरे चांस हैं जो वेटिंग लिस्ट निकलने के। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने पद खाली रह गए हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट कब तक निकलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ट्विटर की न्यूज़ है, जो आज ही की है, जयपुर श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 का जो लेवल टू का ये मामला है। रिसेवर परिणाम के बाद भी हज़ारों पद पड़े खाली, विभाग की लापरवाही का खामियाज भुगत रहे बेरोजगार। हिंदी संस्कृत के सामाजिक विज्ञान विषय से जुड़ा मामला, रिसेवर परिणाम के बाद संस्कृत में 556 पद हैं खाली। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत में लगभग 556 पद खाली रह गए हैं, और इसके साथ हिंदी संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के भी पद खाली रह गए हैं। तो उनके पद कितने कितने खाली रहे हैं वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये जी न्यूज आज की देख सकते हैं, ट्विटर पे भी आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे 16 मार्च की 2:35 की है। उसके बाद में देख ये यहाँ पे दिखा रहे हैं सामाजिक विज्ञान में करीब 1000 पद और हिंदी में करीब 350 पद अभी भी रह गए हैं खाली। रिसेवर परिणाम में उन्हीं अभ्यर्थियों को किया शामिल जिन अभ्यर्थियों दूसरे विषय में ले ली है ज्वाइनिंग। तो इसी वजह से ये पद जो हैं जो खाली रह गए हैं, तो लगभग सामाजिक विज्ञान में लगभग 1000 पद खाली रह गए हैं, और हिंदी में करीब 350 पद खाली हैं, संस्कृत में लगभग 556 के लगभग जो पद हैं वो खाली रह गए, तो इनकी जल्दी वेटिंग लिस्ट निकलेगी। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं अगर आचार संहिता और चुनाव की, तो यहाँ दोस्तों जो ये अपने शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी खुद इन जो ट्वीट किया था, यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटारसा ने की है बड़ी घोषणा। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को नियुक्ति इसी माह, आचार संहिता के चलते लेवल टू शिक्षकों की नियुक्ति अटकने से जुड़ी खबर, डोटासरा ने कहा नियुक्ति देने में कोई अड़चन नहीं आएगी। तो दोस्तों, जो नियुक्तियाँ हुई उनमें कोई अड़चन भी नहीं आएगी, तो वेटिंग लिस्ट में भी इनके लिए कोई अड़चन नहीं आएगी, वो जरूर इनके लिए वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे। आचार संहिता के इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयोग अनुसार आयोग से हम नियम अनुसार लेंगे अनुमति। तो ये जो गोविंद सिंह डोटासरा, उन खुद ने ये ट्वीट करके न्यूज़ बताई थी कि वेटिंग जो लिस्ट है उन पर जो नियुक्तियां हैं और वेटिंग लिस्ट उन पर चुनाव आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनुमति ले लेंगे। तो जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। एक बार फिर देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में करीब 1000 पद, हिंदी में करीब 350 पद अभी भी रह गए हैं खाली, और इसी के साथ अगर यहाँ पर बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत में 556 पद खाली रह गए हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर हिंदी संस्कृत और सामाजिक विज्ञान में रिसेवर जो परिणाम के बाद में जो खाली रहे उनके लिए वेटिंग लिस्ट जल्दी ही जारी होगी। तो दोस्तों, जैसे ही वेटिंग लिस्ट आएगी हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। कृपया अगर आप चैनल पर विजिट करने वाले नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी के साथ जो बेल आइकन बटन उसको प्रेस कर लें, जैसे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।